बस्मिल्लामानीम वेलकम डियर कोलीग्स टू दिस सेशन इन दिस कम अक्रॉस टीचिंग एट वीयू। तो वी यू में मेजॉरिटी जो कोर्सेस हैं उनको क्लब कर दिया गया है या मॉड्यूलर अप्रोच के तहत या लेक्चर वाइज कोर्सेस के तहत हर फील्ड में रिसर्च की एडवांसमेंट्स के साथ चेंजेस आती हैं वीजू ने भी रिसर्च के एडवांसमेंट्स को अडोप्ट किया और अपने वीडियो रिकॉर्डिंग मेथड्स को टाइप्स ऑफ कोर्सिस को वक्त के साथ साथ चेंज किया हमारे अर्लियर जो कोर्सेज़ हैं वो आपको लेक्चर वाइज मेथड के मुताबिक नज़र आएंगे जिसमें अप टू फोटी या फिफ्टी मिनट्स की रिकॉर्डिंग होती है लेकिन रिसर्च हमें ये बताती है कि अटेंशन स्पेन स्टूडेंट्स का या लर्नर्स का वो मैक्सिमम पाँच से आठ मिनट तक होता है इसलिए वी ने इस रिसर्च को अडॉप्ट करते हुए इस कल्चर को अडॉप्ट करते हुए अपनी रिकॉर्डिंग को मॉड्यूलर अप्रोच में ले गए तो हमारे पास दूसरे जो कोर्सेज आपको नज़र आएंगे वो मॉड्यूलर अप्रोच के तहत नज़र आएंगे लेक्चर वाइज कोर्सेज़ में 45 फाइव लेक्चर्स बने होते हैं जैसे आपने देखा होगा एकेडमिक प्लानिंग की वीडियोस में कि क्रेडिट आवर तीन क्रेडिट आवर का कोर्स या वो 45 फाइव आवर्स पे होता है या वो अप टू 48 एट आवर्स तक होता है तो लेक्चर मेथड में 45 आवर्स को कंप्लीट करने के लिए 45 सेशंस बनते हैं मॉड्यूलर अप्रोच के तहत कोर्सेज़ अप टू 270 सेवेंटी टॉपिक्स तक नज़र आएंगे अगर आप अपने कोर्सेज़ को एल में जाके देखिए तो आपको यही दो तरह के कोर्सेज नज़र आएंगे मॉड्यूलर अप्रोच में हम वीडियो की लेंथ को फाइव से टेन मिनट्स तक इस रेंज में रिकॉर्ड रखते हैं ताकि स्टूडेंट का लर्नर का रिसिपियन का टाइम ऑफ स्पेन ऑफ अटेंशन जो है वो फोकस्ड रहे देन देर इज़ अनादर इंटरेस्टिंग थिंग देर आर आइदर मॉडल कोर्सेज और जनरल कोर्सेज हमने पहली जो इसमें एक डिवीज़न देखी वो लेक्चर बेस्ड कोर्सेज की थी और मॉड्यूलर कोर्सेज की थी अगली जो एक डिवीजन है वो या तो कोर्स मॉडल कोर्स का होगा उस पैटर्न पे होगा या वो रेगुलर इंटरफेस के मुताबिक चल रहा होगा तो टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस डिविजन लेटस है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन ऑन VU ऑफिशियल वेबसाइट ये इसी तरह आप किसी वेब ब्राउजर पे जाएंगे और आप अपने LMS एडमिन व्यू को लॉग करेंगे LMS के लैंडिंग पेज पे आने के बाद वो आपसे यूज़रनेम नेम लॉग मांगेंगे जब आप लॉग करेंगे तो सामने जो आपके इंटरफेस नजर आएगा वो एडमिन व्यू है वी यू का स्टूडेंट्स के लिए एक स्टूडेंट व्यू है एल का और टीचर्स के लिए एडमिन व्यू है तो अब हम इस एडमिन व्यू में देखेंगे कि टाइप्स ऑफ कोर्सेस कहाँ से किस तरह से डिस्प्ले होते हैं हम यहाँ से सेमेस्टर को सिलेक्ट करेंगे इस वक्त जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो हम स्प्रिंग 2023 के फाइनल्स के करीब हैं उसके बाद आप कोई कोर्स सिलेक्ट करेंगे तो हम बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए एक मॉड्यूलर अप्रोच और एक लेक्चर वाइज कोर्स को सिलेक्ट करेंगे कोर्स जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आप जानते हैं कि कोर्स सेटअप है जहाँ से कोर्स की बेसिक कंपोनेंट्स हम ऐड करते हैं एडमिन व्यू में हम कोर्स मैनेजर में जाएंगे यहाँ पे कोर्स की तमाम डिटेल्स इन चार मुख्तलिफ टैब्स में हमें नज़र आती है जिसमें से सबसे पहला है बेसिक इंफॉर्मेशन इसमें कोर्स कोड का टैब आप देख सकते हैं इसमें कोर्स का, है, का टाइटल आप देख सकते हैं कोर्स रिजल्ट टाइप इसको अगर हम ड्रॉप डाउन करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे फेल पास कंप्यूट और इन प्रोग्रेस की हमारे पास ऑप्शन मौजूद हैं ये कोर्स कंप्यूट है कंप्यूट से मुराद है कि ये सी जी पी ए बेस्ड कोर्स है पास फेल से मुराद है कि या इसमें स्टूडेंट पास होगा या फेल होगा और सी जी पी ए काउंट नहीं होगा तो मेजॉरिटी ऑफ कोर्सिस इन वी यू वो आपको कंप्यूट बेसिस पे नजर आएंगे क्योंकि उसमें हमने सी जी पी ए कैलकुलेट करना है और वो डिग्री प्रोग्राम का हिस्सा बनता है फैकल्टी आप जानते हैं ये फैकल्टी ऑफ एजुकेशन का कोर्स है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है कोर्स अंडर ग्रेड लेवल का है तीन क्रेडिट आवर का कोर्स है अब ये चूंकि लेक्चर बेस्ड कोर्स है इसलिए आप देखेंगे कि इसमें 45 फाइव लेसन आपको नज़र आ रहे हैं तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं 45 या अप टू टू सेवनटी जितनी भी उस कोर्स की वीडियोस होती हैं ये कोर्स कौन सा है ये देखिए आप इसके नीचे वाला टैब देखें टॉपिक कोर्स है तो हमने इसको सिलेक्ट किया हुआ है नो no. अगर क्योंकि ये लेक्चर बेस्ड कोर्स है अगर ये टॉपिक बेस्ड या मॉड्यूलर होता तो हम इसको येस करते इसके बाद जब हम यहाँ पे चीज़, चीज़ों को सेव कर देते हैं तो आपके टाइम और डेट के साथ और आपने जिस यूज़र नेम के साथ लॉग इन किया होता है वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाता है नेक्स्ट स्टैप है कोर्स कॉन्टेंट सिंस इट इज़ अ लेक्चर बेस्ड कोर्स तो इसके फोटी फाइव डिफरेंट लेक्चर्स हैं वो तमाम लेक्चर्स उनकी टाइटल्स उनकी हेडिंग्स हम कोर्स कॉन्टेंट में ऐड करते हैं आप देख सकते हैं ये सीरिएशन के साथ ऐड हैं इसमें स्टार्टिंग फ्रॉम वन अप टू फोर्टी फाइव यहाँ पे हम उन सेक्शंस को ऐड करते हैं जो स्टूडेंट को कोर्स नज़र आता है उसकी बैकेंड की वर्किंग हम इस एल के एडमिन व्यू में करते हैं इंस्ट्रक्टर की इंफॉर्मेशन ऐड की जाती है कि ये कौन से रिसोर्स पर्सन हैं आप जानते हैं मेजोरिटी जो हमारे रिसोर्स पर्सन हैं वो रिनोमड एक्डेमिशियंस होते हैं डिफरेंट प्रोविंस से जो टॉप नॉच हमारे रिसोर्स हैं हम उनको ऐड करते हैं उनकी ब्रीफ हिस्ट्री यहाँ पे दी जाती है कंट्रोल एट्रीब्यूट्स इससे मुराद है कि इस कोर्स को मैनेज करने के लिए कौन कौन से डिफरेंट सेक्शनज हैं जो ऑपरेशनल होंगे आप जानते हैं अनाउंसमेंट्स हम देते हैं स्टूडेंट्स को जो नज़र आती हैं स्टूडेंट्स कैजुअल एक्टिविटीज़ होती हैं जिसमें हम बताते हैं कि कितने क्विजेस होंगे कितनी असाइनमेंट्स जी डी बीज होंगी ग्रेडिड एक्टिविटीज़ उनमें से ग्रेडिड कौन सी होंगी ये यहाँ पे हम तय करते हैं कि जैसे इस कोर्स में आप देख सकते हैं असाइनमेंट्स भी चेकड हैं जी का बॉक्स भी चेकड है और क्विज़ का बॉक्स भी चेकड है तो इसका मतलब कि इस कोर्स के लिए स्टूडेंट्स को असाइनमेंट्स भी दी जाएंगी जी डी पी डिस्कशंस भी दी जाएंगी और कोजेस भी दिए जाएंगे इस कोर्स के रिसोसिस के लिए एफेक्यूज़ फ्रिक्वेंटली आज क्वेश्चन स्टूडेंट्स को अवेलेबल होंगे डाउनलोड सेक्शन अवेलेबल होगा जिसमें नॉर्मली हम लोग अपने हैंड ओवर्स और एडिशनल मटीरियल जो टाइम टू टाइम हम समझते हैं कि ज़रूरी है स्टूडेंट्स के लिए उसको ऐड करते हैं ग्लॉसरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेट के लिंक्स होते हैं जो इनको हम डाउनलोड कॉपी की वजह से नहीं कर सकते तो हम उन लिंक्स को वहाँ पर शेयर कर देते हैं स्टूडेंट्स के लिए और फिर ग्रेडिंग स्कीम ग्रेडिंग स्कीम आप एग्जाम वाले सेक्शन में देखेंगे उसमें ग्रेडिंग स्कीम को डिटेल से बताया गया है ओपन एंड कोर्स जो व्यू है जैसे मैंने आपको पहले डिवीजन में बताया कि यह कोर्स सेल्फ पेस्ड होता है या वो मॉडल कोर्स होता है जब हम कोर्स को ओपन करना चाहेंगे किसी भी सेमेस्टर में जैसे ये स्प्रिंग 2023 है तो जो कमिंग सेमेस्टर आएगा उस उसमें जब आप कोर्स का स्टेटस यहाँ से ओपन करेंगे और फिर इसको सेव कर देंगे तो फिर ये स्टूडेंट्स को कोर्स सिलेक्शन के लिए कोर्स विजिबल होगा सेल्फ पेस्ड से मुराद है कि वो स्टूडेंट की अपनी मर्जी है कि वो किस पेस पे उसको चलाना चाहता है और जबकि मॉडल कोर्स से ये मुराद है कि स्टूडेंट की एल की लॉगिन एक्टिविटी को हम ट्रैक करते हैं तो कितनी देर के लिए एल एम पे लॉग रहा उसने कितनी वीडियो देखी उसने कितनी जो क्विजेज़ हैं प्री असेसमेंट और पोस्ट असेसमेंट के उसने अटैप्ट किए तो वीजू का एल्गोरिदम और उसका सिस्टम इस तरह से है डिज़ाइंड कि स्टूडेंट जितनी देर के लिए एल एम एस पे एक्टिव होगा वो जितनी लेंथ की वीडियो देखेगा वो तमाम हम रिकॉर्ड कर सकते हैं अभी हमने जो कंडीशन रखी हुई है वो स्टूडेंट्स के लिए अप टू सिक्सटी परसेंट व्यू टाइम उनका होना चाहिए एक वीडियो को वो अप टू सिक्सटी परसेंट देखते हैं तो फिर वो नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं ये सब कंट्रोल्स ये सब एक्टिविटीज करने का पर्पज़ ये है कि स्टूडेंट की लर्निंग एनहेंस हो अब हमने एक लेक्चर बेस्ड कोर्स की मिसाल देखी इसी तरह अब हम एक मॉड्यूलर कोर्स की मिसाल देखते हैं ई डी यू वन ओ वन इसी तरह आप कोर्स सेटअप में कोर्स मैनेजर में जाएंगे तो ये आप देख सकते हैं इस कोर्स का पहले कोड है फिर टाइटल है फिर उसका रिजल्ट टाइप है क्रेडिट आवर्स हैं और यहाँ पे आप देखिए तो ये लेसन में 270 आपको नजर आ रहे हैं इसका मतलब कि इसकी डिफरेंट मोड्यूलर्स हैं आपको नज़र आएंगे डिफरेंट मॉड्यूल्स वो अप टू टू सेवनटी इसमें रिकॉर्डेड हैं टॉपिक कोर्स इसको यस yes किया गया है इसका मतलब है कि टॉपिक वाइज कोर्स है और जब हम सेव करते हैं तो ये हमारे डेट और टाइम के साथ रिकॉर्ड में सेव हो जाता है कोर्स कॉन्टेंट में चूँकि इसकी टू डिफरेंट टॉपिक्स हैं तो हमने वो टू डिफरेंट टॉपिक्स को यहाँ पर ऐड करना है ताकि स्टूडेंट्स को वो इसी तरह डिस्प्ले हो तो ये आप देख सकते हैं ये सब काम है जो एक टीचर व्यू का यहाँ पे कोर्स को डिज़ाइन करते हुए एंटर करते हैं ये देखिए इसी तरह हम इंस्ट्रक्टर इंफॉर्मेशन में जाते हैं इंस्ट्रक्टर की डिटेल दी जाती है ब्रीफ उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है कंट्रोल एट्रीब्यूट्स में जाके तो जो बेसिक डिफरेंस है मॉड्यूलर में और लेक्चर वाइज में वो सिर्फ नंबर ऑफ वीडियोस का वो हम जो पहले सेक्शन में बेसिक इन्फॉर्मेशन में ऐड करते हैं वहाँ से आवेजा होता है ओपन और कोर्स में वही कंडीशन जो हम लेक्चर वाइज में बता चुके हैं वैसे ही होती है थैंक यू वेरी मच